Assalamualaikum everyone. So welcome back to another video. So sketchbook application के बारे में काफी ज्यादा लोगों के सवाल आ रहे थे, तो इस वीडियो में sketchbook को लेके आपके कुछ डाउट्स क्लियर होने वाले हैं, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहना। सबसे पहले हम sketchbook application को ओपन करेंगे। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद टॉप कॉर्नर पे न्यू स्केच का ऑप्शन नजर आएगा, उस पे क्लिक करेंगे। अगेन थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे और इम्पोर्ट फ्रॉम फाइल्स पे क्लिक करेंगे। देन हमारे सामने गैलरी ओपन हो जाएगी। अब गैलरी में से आपने वो वाली फोटो सेलेक्ट करनी है जिस पे आपने पेंटिंग बनानी है। सो यू कैन सी पिक्चर हमारी स्केचबुक में ओपन हो चुकी है। सो अब हमें करना ये होगा कि इसकी ओपेसिटी बिल्कुल लो रख देनी है, ताकि हम जो कुछ भी ऊपर ड्रॉ करेंगे हमें क्लियरली दिखाई दे। देन इसके ऊपर हम एक और लेयर क्रिएट करेंगे। लेयर क्रिएट करने के बाद हम टूल बार में आएंगे और एफ पेंसिल को सिलेक्ट कर लेंगे। अब उसी लेयर पे हम इसको ट्रेस करते करते अपनी आउटलाइन कंप्लीट करेंगे। तो फेस की आउटलाइन कंप्लीट करने के बाद एक और लेयर क्रिएट करेंगे और लेयर क्रिएट करने के बाद हम यहीं से कलर उठा के फेस में कलर करना स्टार्ट करेंगे। फेस में कलर करने के बाद अगेन हम वही पेंसिल सेलेक्ट करेंगे, देन बाकी की आउटलाइन कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे आउटलाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी, और अगर यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई है तो इसके आगे आप लोगों के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। बट अगर इसके अलावा भी स्केचबुक को लेकर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। सो अब बारी आती है इसमें कलरिंग की। कलरिंग के लिए सबसे पहले हम टूल बार में जाएंगे और ब्रश सेलेक्ट करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद मार्कर्स का ऑप्शन नजर आएगा, उसमें से ये वाला मार्कर सेलेक्ट कर लेना है। देन मार्कर सेलेक्ट करने के बाद कलरिंग स्टार्ट कर देंगे। देन पिक्चर में से सेम कलर्स उठा के इसमें फिलअप करते जाना है। स्केचबुक में अगर आपको कलर्स पिक करने में मुश्किल हो रही है तो यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिलेगा। सो इन कलर्स में से आपको जो भी कलर चाहिए आप आसानी से ढूंढ सकते हो। We'll be right back.
ड्राइंग हमारी हो चुकी है कंप्लीट। कलरिंग के बाद आप लोग देख सकते हो कि ये कंप्लीट होके कितनी प्यारी लग रही है। और अब एंड पे बारी आती है बैकग्राउंड बनाने की। बैकग्राउंड में आप लोग चाहो तो कलर भी कर सकते हो और आप लोग चाहो तो कोई बैकग्राउंड पिक्चर भी लगा सकते हो। मैंने पहले इसमें कलर करके देखा तो मुझे अच्छा नहीं था लग रहा, इसलिए मैंने इसके बैकग्राउंड में पिक्चर ऐड करके देखी तो वो काफी ज्यादा प्यारा लग रहा था। अब इसको गैलरी में सेव करने के लिए थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे और सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एक्सपोर्ट टू फाइल्स पे क्लिक करेंगे एंड देन इसे कोई भी टाइटल दे देना है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो मेरी इस वीडियो के थ्रू आप लोगों ने कुछ भी सीखा है तो लाइक भी कर दो, क्योंकि ऐसी एक वीडियो बनाने में पूरे हफ्ते भर की मेहनत लग जाती है, इसलिए वीडियोस को लाइक भी कर दिया करो। और अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।